गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ चावल के आटे और मिल्क पाउडर से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी। तो ये देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती हैं और इनके ना जमने का भी कोई चांस नहीं होता। तो इसे कोई भी आसानी से घर पर बना सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये बर्फ़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने सारा सामान निकाल लिया है। सबसे पहले मैंने एक कटोरी लिया मिल्क पाउडर, एक कटोरी राइस पाउडर, ये थोड़ा सा देसी घी, ये एक कटोरी बूरा ली है मैंने, और ये मैंने 4 से 5 ली हैं इलायची, और थोड़ा सा एक गिलास लगभग लिया मैंने दूध। तो अब मैंने सबसे पहले कढ़ाई में घी चढ़ा लिया है चावल का आटा भूनने के लिए। तो ये मैंने इस घी में चावल का आटा डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। इसे बराबर चलाते रहना है। और हाँ, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इसको भूनने के लिए हैवी थल्ली की कढ़ाई ही यूज कीजिएगा। अब मैंने इलायची को कूट लिया है और उसके बीज निकालिए। ये देखिए, ये घी अच्छे से मिक्स हो गया है और ये हमारा बराबर चलाते हुए हम भून रहे हैं अच्छे से। इसे बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर भूनना है। वैसे आप मीडियम आँच पर भी भून सकते हो, क्योंकि हैवी थल्ली की कढ़ाई है तो ये जलेगा नहीं, जल्दी भुन जाएगा। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमारा चावल का आटा तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करते समय आपको अपनी गैस बिल्कुल सिम कर लेनी है, क्योंकि ये मिल्क पाउडर डलते ही ये कढ़ाई में चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से करना है। ये देखिए, मैंने मिल्क पाउडर मिक्स कर दिया है। अब इसे बराबर चलाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है सारा। अब जब हम इसे दूध डाल देंगे तो ये और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब मैं देखिए दूध भी डाल दिया है। दूध का ध्यान रखिएगा, दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये आपका पेस्ट पतला हो जाएगा, फिर बर्फियाँ आपकी जम नहीं पाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है, जैसे आपको देखना है कि हमारा ये पेस्ट अच्छा हो गया है। अब मैंने इसमें बूरा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो चीनी भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट में मैंने डाला है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर लास्ट में डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब इसे हम एक थाली में या प्लेट में, जिसमें भी आप चाहें चिकनाई लगा के, उसमें निकाल लीजिए। ये देखिए, मैंने थाली में अब चिकनाई लगा ली है। और अब मैं इसमें से कढ़ाई में से निकाल के इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद इसे चम्मच से अच्छी तरह से चारों तरफ फैला के इस तरीके से, देखिए, हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे फिर हम एक कटोरी की थल्ली से चिकना कर देंगे इस तरीके से। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ डाल दिया है। आप चाहें तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो मेवे डाल सकते हैं। अब देखिए, अच्छे से जम गई है ठंडी होने के बाद, तो हम इसके पीस कट कर लेंगे। पीस आप अपनी पसंद के अनुसार कट कीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छी जमी है हमारी मिठाई। देखिए कितने अच्छे पीस कटे हैं। अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारी बर्फ़ी तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और ऐसी ही ढेर सारी रेसिपीज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ।